वेलकम दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं इंडियन बॉय विकी यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इसके फर्स्ट वाले पार्ट में आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया एंड आप लोग काफ़ी अच्छे कमेंट भी किए, जिसके तौर पर गाइज मैं इस सीरीज को कंटिन्यू किया हूँ। और ये जो है आपका जीके जीएस स्टैटिक जीके का पार्ट दूसरा वीडियो है, जो कि हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखते हैं, ताकि जो है हम लोगों को जीके जीएस काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ सके। और ये आपके जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, वो सारे के सारे आपके एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है आपके 2021 वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए गाइज बिना किसी विलंब के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि फरवरी 2019 तक बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन रहे? तो ये है आपका सीके खन्ना, ये जो है आपका बीसीसीआई के अध्यक्ष 2019 तक, फरवरी 2019 तक बने रहे। एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। तो सीके खन्ना जो है वर्ष 2017 से फरवरी 2019 तक जो है आपका बीसीसीआई के कार्यवाहक के रूप में काम किए, एंड सौरभ गांगुली 2019 से बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, एंड बीसीसीआई के जो है आपका स्थापना कब हुआ था? तो ये आपका 1928 ईस्वी में स्थापना हुआ था, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो गाइस वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट जरूर करना, ताकि मैं इस सीरीज को जो है कंटिन्यू रख सकूं। ठीक है, एंड नए लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी वीडियोज अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि पाकिस्तानी जनरल ने जो है वर्ष 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया, परवेज मुशर्रफ यही वो लौंडा है जिन्होंने अपने देश में, मतलब वो पाकिस्तान में जो है सैन्य शासन को लागू किया था। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। तो पाकिस्तान की निर्वाचित सरकार को 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट कर दिया था, एंड जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो है 6 अक्टूबर 1998 से 28 नवम्बर 2007 तक जो है पाकिस्तानी सेना के जनरल के रूप में कार्य कर रहा था। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और वो पता होना चाहिए, पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। यह एक भारतीय सुधारक थे और वे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के भी संस्थापक थे। ठीक है, अगला है यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक जो है आपका, ये एक भारतीय राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता आंदोलन के नेता भी थे। और दूसरा जो है आपका जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री और लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले में से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए जी एक महंगी मुलायम सफेद और चमकदार धातु का रासायनिक प्रतीक है, तो जिसे आमतौर पर हम लोग क्या कहते हैं, जिसे आमतौर पर हम लोग किस नाम से जाना जाता है? ए जी जो है आपका ये सिल्वर का रासायनिक प्रतीक है, मतलब कि आपका चांदी का, ऑप्शन नंबर डी चांदी का ये रासायनिक प्रतीक है। फैक्ट को देख लेते हैं। तो चांदी एक रासायनिक तत्व है जिसकी जिसका प्रत्येक प्रतीक यहाँ पे प्रतीक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे प्रतीक होगा, ये मिस प्रिंट हो गया यहाँ पे, इसका प्रतीक है। ठीक है, ए जी जो है आपका ये चांदी का प्रतीक है और इसकी परमाणु संख्या जो आपका ये 47 है। चांदी धातु बिजली का जो है आपका, चांदी जो है धातु बिजली का एक अच्छा चालक है गाइज, यहाँ पे ये बिजली का एक सबसे बड़ा अच्छा चालक है और इसका उपयोग गहने बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रसिद्ध गायक है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुभा मुद्गल। ठीक है, सुभा मुद्गल जो है ये आपका हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक प्रसिद्ध गायिका है। ठीक है, नोट में देख लेते हैं कि सुभा मुद्गल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध भारतीय गायिका है। इन्होंने जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, उमरी ख्याल और दादर संगीत में जो है एक महान योगदान दिया है। वर्ष 2000 में इन्हें इससे जो है आपको पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। तो ये बात को याद रखना, सुभा मुद्गल एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रसिद्ध गायिका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, किसी पार्टी, किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र का एक निश्चित निर्णय या कानून रोकने का अधिकार क्या कहलाता है? ये गाइज आपका वीटो कहलाता है, अधिकार नहीं कहलाएगा, मतदान भी नहीं कहलाएगा, तो वीटो कहलाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा देख लेते हैं हम लोग कि वीटो जो है एक विशेषाधिकार है जिसका उपयोग किसी प्रस्ताव को पारित होने से रोकने के लिए जो है किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा बैठक में जो है सदस्य राष्ट्र द्वारा जो है
ईटो शक्ति का प्रयोग किया जाता है। एंड जब आप लोग गाइस हम लोग जो लूसेंट बुक में क्विज जो कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप लोग पीछे भी ये संयुक्त राष्ट्र वाले पोर्शन को पढ़े होंगे, वहाँ पे ये बीटो वाले भी पार्ट को पढ़े होंगे, ठीक है। ये अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग को याद होगा। जब किसी मुद्दे पर असहमति होती है तो गाइस बीटो शक्ति का द्वारा जो है किसी भी निर्णय या परिवर्तन को रोका जा सकता है, ठीक है। बीटो का मतलब ये हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता है? दोस्तों अचार का संरक्षण, अचार जो हम लोग खाते हैं इसका संरक्षण सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। बाकी आपका साबुन बनाने में, अखबार बनाने में, धातुओं में चिकनाई कम करने में, मतलब इस टाइप से जो है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फैक्ट भी देख सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है और यह जो है एक उच्च आधार जो है क्षार है, एंड इसका उपयोग लुगदी और कागज के कपड़े, पीने के पानी, साबुन और डिटर्जेंट के निर्माण में भी जो है ये होता है, ठीक है। लेकिन सोडियम बेंजोएट जो है आपका सोडियम बेंजोएट का जो है उपयोग कार्बोनेटेड पेय, ठीक है, कार्बोनेटेड पेय, जैम और फलों के रस और अचार के लिए संरक्षक के रूप में जो है कार्य किया जाता है, ठीक है। तो सोडियम बेंजोएट के द्वारा जो है अचार का संरक्षण होता है, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है कि डैश ने 2006 में पाकिस्तान के खिलाफ मैच के पहले ओवर में हैट्रिक विकेट लेने वाले जो है ऐसा करने वाले वे पहले और अब तक के एकमात्र गेंदबाज बन गए हैं, वो कौन है भाई? यहाँ पे तो ये बैट्समैन है, ये भी बैट्समैन है, ये बॉलर है। तो भाई आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इरफान पठान। ये वो तेज गेंदबाज थे जिन्होंने हैट्रिक विकेट पाकिस्तान के खिलाफ 2006 में लिया था। परफेक्ट भी देख लेते थोड़ा सा, टेस्ट मैच में ये पहले ओवर में हैट्रिक विकेट लिया था, एंड हरभजन सिंह पहले भारतीय गेंदबाज और तीसरे जो है आपका जसप्रीत बुमराह थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि डैश भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, इसको आप याद रखना, ठीक है। ये आपका विविध चैप्टर से क्वेश्चंस है, देख ले हो कि SSC GD में जो है विविध से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, विविध सेक्शंस को हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन का जवाब दो कि भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, बताओ। ये है आपका रामा देवी, ऑप्शन नंबर सी। फैक्ट देख सकते हैं, VS रामा देवी भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी। इसके अलावा वह कर्नाटक की पहली महिला राज्यपाल भी रही थी। प्रतिभा पाटिल जो है आपका भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, जो कि 2007 से 2012 तक, एंड आगे आपका मीरा कुमार जो है आपका वो 2009 से 2014 तक जो है भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष रही थी। पहली महिला लोकसभा आपका मीरा कुमार हो जाएगा, एंड पहली महिला राष्ट्रपति जो है आपका वो प्रतिभा हो जाएगा, एंड पहली महिला चुनाव आयुक्त जो आपका वो रामा देवी हो जाएगा, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो गाइज ये आपका टिस्को, ऑप्शन नंबर ए। टिस्को आपका जो है ये टाटा कंपनी का है, ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको जानकारी समझ में आएगा। तो भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला के तीन प्रमुख संयंत्र का रखरखाव जो है आपका भारतीय संयंत्र, ये पात्र लिखा गया यहाँ पे संयंत्र होगा, ठीक है, लोग इसे ठीक कर लेना अगर आप लोग नोट कर रहे हो तो, ये संयंत्र होगा अधिकरण सेल द्वारा किया जाता है, और टाटा स्टील जिसे इसको यहाँ पे इसको लिखा गया, सॉरी गाइस, ये आपका टिस्को होगा, टिस्को के नाम से जाना जाता है, और यह निजी क्षेत्र की एक बहुत बड़ी इस्पात कंपनी है, ठीक है। और राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है आपका जर्मनी के सहयोग से, भिलाई इस्पात सोवियत संघ के, एंड दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो आपका ब्रिटिश के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो गाइज यहाँ पे जो ये यहाँ से लेकर आपका ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग लूसेंट के बुक में भी याद किए होंगे जब हम लोग टॉपिक करते थे, एंड उसके बाद आप लोग टेस्ट लगाते थे। ये बात याद रखना कि राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से, भिलाई इस्पात जो है आपका सोवियत संघ, एंड दुर्गापुर इस्पात जो है आपका ब्रिटिश के सहयोग से स्थापित किया गया था, क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये आपको पता होना चाहिए, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के द्वारा जो है आपका द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक जो है लिखी गई थी, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में देख लो, एक्स्ट्रा फैक्ट काफ़ी अच्छा रहेगा।
चार्ल्स डार्विन जो है वह एक ब्रिटिश प्राकृतवादी और जीव विज्ञानी थे जिन्होंने 1858 में विकास का सिद्धांत तैयार किया था। लुई पाश्चर वह एक फ्रांसीसी माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पॉस्चराइजेशन की प्रक्रिया बनाई थी। एंड जेम वाटसन वह एक प्रसिद्ध अमेरिकी अनुवांशिकी विज्ञानी थे जिन्होंने पहली बार साबित किया कि डीएनए वंशानुगत लक्षणों को प्रभावित करता है। ठीक है, एंड ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जो है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक के लेखक है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है गाइस कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आपको समझ में भी आ रहा होगा, इस टाइप से वो एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखने को मिल रहे होंगे। कथकली की जो है जड़े वो किस राज्य से, किस राज्य में है, मतलब कि यहाँ पे कहने का मतलब ये होगी कथकली किस राज्य से रिलेटेड है, तो ये है आपका केरला। ठीक है, केरल, ऑप्शन नंबर ए केरल। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो नोट में कि मालाबार, कोचीन और त्रणकोर जो है इसके आसपास में जो है आपका ये लोक नृत्य है, और यह नृत्य जो है आपका दक्षिण पश्चिमी राज्य के केरल का ये प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, कथकली जो है आपका ये केरल से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे जिन्होंने दिसंबर 2018 में अपना इस्तीफा सौंप दिया था। तो ये नरेंद्र मोदी तो बिल्कुल भी नहीं होगा भाई, मनमोहन सिंह भी नहीं होगा, चिदम्बरम भी नहीं होगा, उर्जित पटेल इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने जो है 2018 में गवर्नर के रूप में काम कर रहे थे और लेकिन दिसंबर 2018 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज थोड़ा सा देख लेते हैं कि उर्जित पटेल ने जो है दिसंबर 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में इस्तीफा दे दिया था और यह जो है भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किए गए थे। ठीक है, ये उर्जित पटेल जो है आपका ये 24वां गवर्नर था एंड वर्तमान में जो आपका भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। ये बात याद रखना, करंट अफेयर में पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चार मीनार स्मारक कहाँ स्थित है। ये सभी को पता होना चाहिए, बच्चे बच्चे को पता होगा गाइस कि चार मीनार जो आपका ये हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार हैदराबाद तेलंगाना भारत, तेलंगाना भारत में जो है स्थित है, स्थित के स्मारक है। चार मीनार अपने चार भव्य मेहराबों के लिए प्रसिद्ध है जो इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली से जो है निर्मित है। इसे मुसी नदी के तट पर 1591 ईस्वी में कुली कुतुब शाह ने जो है बनवाया था। ठीक है, तो चार मीनार आपका हैदराबाद में है और ये जो है आपका मुसी नदी के तट पर है, 1591 ईस्वी में बनाया गया। किसने बनाया, तो कुली कुतुब शाह ने जो है इसे बनाया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत और श्रीलंका डैश को द्वारा विभाजित किया गया, मतलब भारत और श्रीलंका के इसके द्वारा जो है विभाजित किया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जल डमरू, ऑप्शन नंबर डी पाक जल डमरू जो है आपका ये, इसके द्वारा भारत और श्रीलंका दोनों विभाजित है। आप नीचे देखोगे, एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लो, समझ में आ जाएगा। पाक जल डमरू जो है आपका तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच एक जो है जल डमरू है और यह जो है बंगाल की खाड़ी और पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी को भी जोड़ता है। ठीक है, ये जो भारत का नक्शा देख रहे हो इस टाइप से है, और यहाँ पे जो है आपका ये श्रीलंका हो गया आपका, ये आपका जो है ना ये पाक जल डमरू है, ये जो है आपका भारत और श्रीलंका के द्वारा जो है विभाजित है। ये श्रीलंका अलग हो गया, भारत अलग हो गया, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। कोशिकाएं, ये बिल्ली, मतलब बिल्ली मत समझ लेना, ठीक है, बिल्ली हो गया, सिराएं हो गया, धमनियां हो गया। तो गाइस यहाँ पे विली जो है आपका ये परिसंचरण तंत्र का जो हिस्सा नहीं है। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा। तो कोशिकाएं बहुत छोटी रक्त वाहिका को कहा जाता है क्योंकि यह पूरे शरीर में एक जाल की तरह विस्तृत होती है एंड इन कोशिकाओं के मध्य से जो आपका रक्त पूरे शरीर के सभी भागों में पहुंचाया जाता है। धमनियां रक्त वाहिका है जो हृदय से रक्त ले जाती है। तो बाकी जो है आपका ये तीन जो है रक्त से रिलेटेड है जो कि रक्त का काम करती है, लेकिन ये जो विली है, विली जो है ये आंत में पाई जाने वाली एक संरचना है जो कि खाने वाले भोजन से पोषक तत्व को अवशोषित करने में मदद करती है। तो इसलिए जो है आपका ये परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है विली। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खरीफ फसलों को डैश ऋतु की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसल के रूप में वर्णित किया जा सकता है, तो बताना है, तो बताओ कि खरीफ फसल कब लगता है। तो ये वर्षा वाले ऋतु में जो है शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों में से
ये जो है आपका रूप वर्णित किया जा सकता है, ठीक है, ये आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ये नोट को देख लो। खरीफ फसलों की बुआई जून जुलाई के महीने में की जाती है एंड मानसून की वर्षा जून के महीने से शुरू होती है, जो खरीफ फसल के लिए अनुकूल वातावरण पैदा करता है, ठीक है। सर्दियों का मौसम जो है, सर्दियों का मौसम नवंबर दिसंबर से शुरू होता है एंड इस समय जो है आपका रबी की फसल की बुआई की जाती है। गेहूँ, चना, मटर, सरसों आदि जो है आपका प्रमुख रबी फसलें हैं, और धान, बाजरा, ज्वार, बाजरा जो है आपका ये का आदि जो है ये आपका खरीफ फसल है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे फ होगा, खरीफ फसल पर खरीफ की प्रमुख फसलें हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, माजुली सबसे बड़ी नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी में पाया जाता है? तो ये आपको पता होना चाहिए, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। माजुली द्वीप ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पे है, ठीक है, जो कि आपका ये ब्रह्मपुत्र नदी में है, ठीक है। तो नंबर सी परफेक्ट देखते हैं। माजुली दुनिया की जो है सबसे बड़ी नदी द्वीप है, और माजुली द्वीप जो है आपका ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित एक बड़ा नदी द्वीप है, और इस द्वीप का निर्माण जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों की दिशाओं में बदलाव के कारण जो है ये द्वीप का निर्माण हुआ है। एंड ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपका तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है और तिब्बत, भारत, बांग्लादेश से होकर ये बहती है। तो ये याद रखना कि माजुली जो द्वीप है, नदी द्वीप, ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी से बनती है एंड ब्रह्मपुत्र नदी में है, एंड माजुली द्वीप जो आपका ये असम राज्य में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगस्त 1858 में ब्रिटिश सांसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसमें कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया, इसे क्या कहा गया? इसे कहा गया भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम। एक्ट में देख लेते हैं कि भारत में कंपनी के शासन को भारत सरकार अधिनियम 1958, सॉरी यहाँ पे 1958 नहीं होगा, ये 1858 होगा, ठीक है, इसे सही कर लेना, 1858 द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा जो आपका भारत की शासन का नियंत्रण सम्राट को सौंप दिया गया था। अब भारत सरकार की सारी जिम्मेदारी जो है आपका भारत के सचिव पर, ये आप यहाँ पे यह लिख लेना 1858 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि नेशनल फिल्म अवार्ड 67 जो अभी इधर हर फिलहाल में भी एक दो दिन हो रहा मेरे ख्याल से ये फिल्म अवार्ड दिया गया है, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म हिंदी फिल्म किसे मिला है? सबसे बेस्ट एक्टर, ये जो फिल्म है आपका अच्छी छोरा, सुशांत सिंह राजपूत का जो है ये मूवी है, और इन्हें जो है सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पुरस्कार दिया गया है आपका 67 वाला, क्लियर। और साथ में ये थोड़ा सा मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट कौन सा है, सिक्किम कहलाया, इसे भी अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2021 ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा? पता होना चाहिए 2021 वाला ओलंपिक खेलों कहाँ होगा, टोक्यो में, टोक्यो में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए टोक्यो में। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट भी देख लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा सच्चे समझ में आ सके। टोक्यो ओलंपिक 2020 में आयोजित होने वाला था, ठीक है, लेकिन आपको पता है ये कोविड बाबा उधर से आ गया था, जिसके कारण जो है ये आपका 2021 में होने वाला है, ये जापान में आयोजित किया जाएगा। ओलंपिक खेलों को जो है आमतौर पर हर 4 साल में आयोजित किया जाता है, और यह 4 साल की अवधि में हर 2 साल में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन खेलों के बीच में बारी बारी से आयोजित किया जाता है, ठीक है, 2020 का ओलंपिक टोक्यो में। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तें पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से एमके गांधी ने इसके साथ जो है अत्यधिक आधिकारिक जो आपका बैठक में भाग लिया, आपको बताना है ये लॉर्ड इरविन के साथ जो है ये ज़्यादातर बैठक में बैठा और काफ़ी मामलों में बातचीत हुई हुई थी, ठीक है। तो एमके गांधी ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से लॉर्ड इरविन के साथ एक आधिकारिक बैठक में शामिल हुआ। गांधी जी 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तें पर इरविन के साथ बातचीत करने के लिए सहमत हुए थे, ठीक है। लॉर्ड रिपन को 1880 से 1884 के दौरान जो है भारत के आंतरिक प्रशासन में कई सुधारों के लिए भी जाना जाता है। एंड ये बात को याद रखना कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है आपका लंदन में आयोजित किया गया था, क्लियर। अगला क्वेश्चन, भारत में नीली क्रांति से संबंधित क्या है? अब नीली क्रांति से आप लोग ये नील की उत्पादन की क्रांति मत कह देना, ठीक है। तो नीली क्रांति जो है आपका ये
मछली से उत्पाद, मछली से रिलेटेड है, मछली उत्पादन से, ठीक है। भारत में नीली क्रांति के दौरान मछली उत्पादन का व्यापक विकास हुआ था, एंड नीली क्रांति के दौरान जो आपका मछली पालन, मछली प्रजनन, मछली और मछली निर्यात में बहुत सुधार हुआ था। अरुण कृष्णन जो है भारत में नीली क्रांति के जनक है, एंड आपका ये जो है स्वर्ण रेशा जो आपका जूट उत्पादन से संबंधित है, हरित क्रांति जो आपका कृषि से उत्पादन संबंधित है, काली क्रांति जो आपका पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है, एंड श्वेत क्रांति जो आपका दूध उत्पादन से संबंधित है। ये सारे जो क्रांतियां हैं इसको आप लोग याद कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय रेगिस्तान देश के पश्चिमी सीमा पर स्थित है, तो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा पहाड़िया है जो कि भारतीय रेगिस्तान पश्चिम सीमा पर स्थित है। पश्चिम में आपका क्या हो जाएगा, अरावली पहाड़ियाँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, अरावली पहाड़ियाँ जो है आपका ये पश्चिम सीमा पर स्थित है। इसके बारे में जान लेते हैं, तो अरावली पर्वत जो है श्रृंखला गुजरात से दिल्ली तक 693 किलोमीटर में फैली है, एंड इस पर्वत का अधिकतम भाग लगभग 80% जो आपका राजस्थान राज्य में, और ये जो गुरु शिखर जो है आपका इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो याद रखना अरावली पहाड़ियाँ की जो है ऊंची चोटी जो आपका गुरु शिखर है, एंड नीलगिरी भारत के जो है पश्चिमी घाटों की एक श्रेणी है, और नीलगिरी पर्वत जो है श्रृंखला ये आपका तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्यों में फैली हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, सभी को पता है कान की हड्डी, ये जो स्टेपीज है यही आपका जो है सबसे छोटी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी हमारे कान की होती है, जिसे हम लोग स्टेपीज कहते हैं, एंड मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी हमारी क्या होती है, जांघों की होती है, जिसे हम लोग फीमर कहते हैं, ठीक है। गाइज यहाँ पे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए आपके, ये सारे के क्वेश्चंस आपके प्रीवियस सेशन से थे, और ये जो मैंने एक बीच में क्वेश्चंस डाला था ये वाला पुरस्कार वाला, तो गाइज वो रिसेंट का क्वेश्चन है इसलिए मैंने डाल दिया ताकि जो है आपको याद रह सके, ठीक है। तो आई होप गाइज कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना। अगर थोड़ा सा मिस्टेक जो है आपका ये हिंदी वाले में टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है तो वो थोड़ा सा मैनेज कर लो, ठीक है, समझ में आ जाएगा। बाकी आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जोर से कर लेना, ठीक है। तो गाइस चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद।